हेलो दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दुखी की बात है कि हमारा अचानक दोस्तों मेरा तबीयत खराब हो गया था 11 बजे रात को। तो हमारे बच्चे भी रोने लगे, हमारे हस्बैंड जल्दी से लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे ले गए तो डॉक्टर ही खुलवाए, उसके बाद से बोतल लगने लगे। तो डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया तो बोला बहुत डाउन है बीपी, आपका बोतल लगाना पड़ेगा। तो फिर बोतल लगाने लगा, डॉक्टर लगाया बोतल तो सुबह तक मतलब 7 बजे तक इतने हुआ। उसके बाद 2 दिन तक वहीं पे थे लो हम लोग। अभी आई तो नहाई धुआई तो सोची कि वीडियो के माध्यम से आप लोग के मैं बता दूं, मेरा ऐसे ऐसे बात है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं ये माइक सटा के बोल रही हूँ, आप लोग से बता रही हूँ। बहुत मतलब दिक्कत आ गई है, आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना मेरा चेहरा डाउन हो गया है। तो मेरा शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा जाकर कि मेरा बोतल लग रहा था तो वीडियो बना है, क्योंकि रात को टाइम था तो जल्दी में थे तो कोई वीडियो नहीं बना पाए। इसलिए मैं सोची कि आई तो मैं बोली आराम आराम से बोल के आप लोग के बता दूं। मेरा शॉर्ट वीडियो में आप ज़रूर जाके देखिएगा लो हकीकत कि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। शॉर्ट वीडियो में बना रखी हूँ, डाल भी रखी हूँ, आप लोग एकदम ज़रूर देखिएगा। सपोर्ट मुझे कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए लो, आप लोग की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आगे माए बढ़ाइए लो। दोस्तों, अभी डॉक्टर के पास मुझे जाना है बीपी चेक कराने के लिए। डॉक्टर बुलाए हैं कि बीपी एक बार चेक होगा। अभी भी तबीयत सही नहीं है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, चक्कर चक्कर जैसे आ रहा है, और काफ़ी गर्मी भी है। अचानक मतलब हो गया तबीयत ख़राब, पता न क्या हो गया, पूरी शरीर में एकदम चुभन की तरह होने लगा, एकदम बेचैनी की तरह होने लगा, पता नहीं अचानक क्या हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब है। और क्या बताऊँ आप लोग से, तो देख ही रहे हैं हालत मेरा कैसे हो गया है। मेरा शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा लो, जो बोतल लग रहा था तो मैं बनाए हैं, उसके बाद देखिएगा हकीकत मेरा। तो दोस्तों, मेरा शॉर्ट वीडियो के ज़रूर आप लोग देखिएगा, और मेरा सनम फैमिली ब्लॉग के आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते जाते आप लोग के सही दिल से नमस्ते।